सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दाना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपनी खाद का प्रबंध करा, प्रबंध करा, उसकी से कम खरीद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंडस्ट्री पर निष्पक्ष कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, जांच हो, जांच हो, जांच हो, बंद करो, 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 बहुत सारे मुद्दे थे। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान बलवीर सिंह आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर आज हमारे मुद्दे थे मंडियों में किसान की फसल पीटी दे रही है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा न जाने क्या क्या शर्तें लगाई जा रही है, और गेट पास कटवाना भी एक चुनौती है। गेट पास कटने के बाद उसकी दाम नहीं ठीक मिल रहा है और जो बिकी है उसका उठान नहीं हो रहा, एक तो ये बड़ा मुद्दा था। दूसरा पराली का है, जैसा अब पूरे देश में प्रचारित हो रहा है, प्रदूषण फैक्ट्रियों से होता है, साधनों से होता है, यहाँ भी आप देखते हो ये पूरा कैंपस पर है हुआ साधनों का, जब ये चलते हैं क्या प्रदूषण नहीं होता, भट्ठे भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं प्रदूषण को पैदा करने वाली, टायर जलाए भी जा रहे हैं, टायर पीछे भी जा रहे हैं, अनेक न जाने, और आज दिवाली 2 दिन बाद होगी, बहुत बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े जाएंगे, बम बजेंगे, लेकिन प्रदूषण बढ़ेगा, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, केवल किसान को दंडित करने का सरकार ने इरादा कर लिया। न जाने सरकार हमारे साथ ऐसे बदले क्यों ले रही है, और यदि वो ऐसे बदले लेना चाहती है तो हम चुप रहने वाले नहीं है। पराली का एक मुद्दा है, इसके अलावा खाद, चाहे वो आज DAP का सवाल है, 15 दिन बाद यूरिया का मसला खड़ा हो जाएगा, बीज परसों से बिकना शुरू हुआ है, गेहूं का बीज, और ये कह के कि हमें ये नहीं पता कि कितना में बेचना है, तो ये जानतियां किसान के साथ जानबूझ कर हो रही है। और सबसे बड़े दुख की बात है, हम बिना खेत बोए रह जाएंगे, बिना रोटी खाए रह जाएंगे, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। जिस अधिकारी ने भी ऐसी घटनाएं की हैं उनको नहीं बख्शेंगे, बृजमोहन नहीं बख्शा, किसानों पर ज्यादती करने वाला हमारा जो लखीमपुर खीरी का एक मंत्री भी था अजय टैनी मिश्रा, उसको नहीं बख्शा, और ये SP साहब ने जो घटना की है, हम ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए, यदि हमारी बहन बेटियों के साथ कोई किसी तरह का न्याय होता है तो हम वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ये मुद्दे कह के आए हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ का स्थानीय प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई नहीं हुई तो हम चुप नहीं रहेंगे।